नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डी के टेक पे। तो मेरा नाम है दीपक, चलिए आज का ऑफर जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फोनपे का KYC कंप्लीट करके दिखाऊंगा 110%। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा और करके नहीं दिखाऊंगा, जो भी होगा आपके लाइव आपके आँख के सामने होगा। फुल्ली मैं अपना डिटेल डालूंगा, KYC कंप्लीट भी होगा सक्सेसफुली, उसका सक्सेसफुल का मैसेज भी आएगा, जो भी होगा सब कुछ आपके सामने होगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताऊंगा, पूरा KYC कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हो ना, तो बिल्कुल आप फोनपे का KYC कंप्लीट कर पाओगे और आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा। जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता जाए आपके पास। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि कोई भी ऑफर्स अगर आता है, तो उसको वीडियोस बनाकर डालने में करीब 1.5-2 घंटे टाइम लग जाता है, जबकि टेलीग्राम में मैं उसे तुरंत पोस्ट करता हूं जैसे ही पता चलता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ऑफर्स को जल्दी से जल्दी लूट पाओगे। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप अपने टेलीग्राम पर सर्च कर लो डी के टेक ऑफिशियल, और मेरे वहाँ पे यूट्यूब चैनल का लोगो दिख जाएगा आपको डी के टेक ऑफिशियल, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, अगर अच्छे खासे आपको पेटीएम कैसे अर्न करना है, पेटीएम कैसे, देखो हमने यहाँ कितना अर्निंग किया, 610 रुपये, 530 रुपये, 530, 20 रुपये, 5 रुपये, 500 रुपये, 250, 320, 300। इस तरह से अगर पेटीएम कैसे अर्न करना है ना आपको, तो ये सारा अर्निंग हमने लोबिस्को एप्लीकेशन से किया, तो लोबिस्को एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसमें। दोस्तों, बात ये है, उसमें फायदा ये है कि आपको एक रेफर करने पर भी उस रेफर का अमाउंट आप तुरंत अपने पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हो। कहने का मतलब इसमें मिनिमम रिडीमशन 1 रुपये है दोस्तों, 1 रुपये भी आप मिनिमम पेटीएम में रिडीम कर सकते हो लोबिस्को एप्लीकेशन का। तो लोबिस्को एप्लीकेशन में अच्छे खासे रेफर करके आप अर्निंग कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लोबिस्को एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और छोटा सा साइनअप प्रोसेस पूरा कर लो, नंबर या नाम वगैरह डाल के आप रजिस्टर कर लो उसमें, और वहाँ से रेफर करो और अच्छे खासे पेटीएम कैश कमाओ। तो आप चलते हैं दोस्तों मेन वीडियो कर। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा फोनपे का KYC किस तरह से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप फोनपे वॉलेट का जो KYC आप कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर फोनपे वॉलेट को अपडेट किए होंगे तो देखिए उसके इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा, अप टू डेट अगर है तो इसमें आपको KYC करना कंपलसरी हो जाएगा। तो आप KYC कैसे करेंगे, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, KYC तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन है, ऊपर ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 ऑप्शन, जो बैंक अकाउंट एडेड है इसमें टिक लगा हुआ है, इसका मतलब मेरा बैंक अकाउंट एड है। उसके बाद एक्टिवेट वॉलेट, तो यहाँ पे टिक नहीं लगा, इसका मतलब मेरा वॉलेट एक्टिवेट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली क्लिक करते हैं तो भी यहाँ से आप अपना जो है KYC कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप बैक जाकर आपको यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे एक इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ऊपर जो यहाँ पे एक लोगो बन के आ रहा है ना, तो इस पर क्लिक करिए, और यहाँ से आप अपनी इमेज भी सेट कर सकते हैं, ये जो है नया अपडेट आया इसमें। तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो देखिए प्लीज़ कंप्लीट योर KYC वेरीफाई है, वेरीफाई पे अगर जाते हैं तो भी यहाँ पे सेम जगह पे लिखा आएगा, तो प्रोवाइड बेसिक, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की देखिए इतने सारे IDs है, इसमें से कोई एक ID डालना है, ID का नंबर डालना है। तो बहुत सारे इसमें से देख लीजिएगा, DL का भी है, वोटर ID भी है, उसके बाद पासपोर्ट भी है, उसका पैन कार्ड। तो मैं सिंपली यहाँ पे पैन कार्ड फिल करता हूँ, बट यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो मैं अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करता हूँ, तो देखता हूँ उसका क्या इंटरफेस आता है। उसके बाद जो पैन कार्ड में नाम है उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है बेसिक डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, इसका मतलब ये मेरा KYC जो है कंप्लीट हो चुका है 100%। तो मैं इसका सिंपली एक स्क्रीनशॉट लेके रख देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे डन कर देंगे, और देखिए यहाँ पे मेरा जो है ये पेन लिंक कर दिया हमने और ये वेरीफाई हो चुका है। तो अब मैं अगर मैं अपना वॉलेट में, देखिए वॉलेट एक्टिवेट हो चुका है, अब मैं अगर वॉलेट में जाता हूँ, मैं अपना वॉलेट में जाने के बाद यहाँ से वॉलेट में जाके अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं 1 रुपये डाल दिया, और यहाँ पे अगर ऐड करूँगा ये 1 रुपये, तो मैं इजीली ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले जो दोस्तों यहाँ पे अगर 1 रुपये ऐड करता था मैं, तो यहाँ पे कंप्लीट योर KYC लिखा हुआ आता था, जो कि KYC कंप्लीट नहीं था इसीलिए। तो दोस्तों, अभी कहने का मतलब ये, मेरा जो मिनी KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और उसका लिमिट जो है 10,000 का, 1 महीने में मैं 10,000 यूज़ कर सकता हूँ। अगर अभी देखिए मैं विड्रॉल सेक्शन पर जाता हूँ, तो यहाँ पे फुल KYC करने को बोलता है, जिसको eKYC बोला जाता है, जबकि पुराने अकाउंट का फुल KYC नहीं हो पा रहा है, या फिर न्यू अकाउंट का भी नहीं हो, लेकिन न्यू अकाउंट का जो वॉलेट है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जा रहा है इस तरह से मिनी KYC कंप्लीट करने के बाद। लेकिन जो लोग भी पुराने यूज़र है, ओल्ड यूज़र है, उनके लिए तो सॉरी यार, जो न्यू यूज़र है उनके लिए तो ये सही है कि आप बेसिक डिटेल्स डाल के सारे चीज़ कर सकते हो। बेसिक डिटेल्स का मतलब होता है मिनी KYC। देखो, तो आज की इस वीडियो में हमने फुल्ली बता दिया आपको किस तरह से फोनपे का मिनी KYC कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस जल्दी से कर लो, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता जाए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और नीचे लोबिस्को एप्लीकेशन का
जो किस तरह से अर्निंग करना है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, उसका फ़ोनपे को डाउनलोड करो। फ़ोनपे को डाउनलोड करने से भी इसमें UPI ट्रांसफर करने पे बहुत सारे गिफ्ट कार्ड और उसके बाद आपको स्क्रैच कार्ड्स मिलते हैं, तो फ़ोनपे का डाउनलोडिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे ईमेल वगैरह भी वेरीफाई करा लो, ईमेल वगैरह वेरीफाई करा लेने के बाद जो है आपका फ़ोनपे सक्सेसफुली 100% फुल KYC बाद में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब आपका ये KYC का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आप अपने ईमेल भी वेरीफाई करा लीजिए। तो यही था आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद है, वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ना भूलो। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।